नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्टार ऑफ इंडिया में। आज के हमारे मेहमान हैं माननीय श्रीधर पराड़कर जी। श्रीधर पराड़कर जी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं संघ प्रचारक हैं। श्रीधर जी का जन्म 15 मार्च 1954 को स्वर्गीय गोविंद राव व माता स्वर्गीय इंदिराबाई के घर में हुआ। आपने 32 साल की युवावस्था में 1986 में अपने आप को आरएसएस के समर्पित कर दिया। तो आइए मिलते हैं श्रीधर पराड़कर जी से, जिन्हें सभी लोग प्यार से काका जी कहते हैं, और मैं उम्मीद रखूंगा कि मुझे भी शायद आप काका जी कहने की इजाज़त देंगे। काका जी, सबसे पहले एक बात मैं जानना चाहूँगा कि आज के जो युवा पीढ़ी को साहित्य की तरफ कैसे आकर्षित किया जा सकता है? उसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि शिक्षा के इसमें जो परिवर्तन हमने किया है कि इसमें जो स्पेशलाइजेशन लाया है कि जो जिस विषय का है वही चीज़ पढ़ेगा, बाकी हटा दिए हैं, तो उसमें से साहित्य और ये भी हट गया है। 8वीं के बाद से ज़्यादा कहीं पढ़ाया नहीं जाता, और अपर हायर एजुकेशन में तो बिल्कुल ही संबंध ख़त्म हो जाता है। दूसरा, साहित्य में भी परिवर्तन हुआ है कि वर्तमान की जो परिस्थिति है, जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं सारे, आज की जो सोच है लोगों की, उन सबको समाहित करते हुए अगर साहित्य आएगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति को ये नहीं लगता कि मेरे को कुछ नया मिला है, तब तक वो नहीं पढ़ता। किसी भी इसमें मिले उसको, उसकी जो इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो ऐसा साहित्य जब तक नहीं आएगा, अब साहित्य क्या है, या तो एकदम पुरानी परंपरा के ऊपर चल रहा है वैसा का वैसा ही, या फिर एकदम हाइपोथेटिकल है, बैठ कर के लिखने वाले को जो लिख रहा है वो लिख रहा है, उसका समाज से कोई सामाजिक उत्तरदायित्व तो ऐसा नहीं है। तो इसमें जैसे आपने वीर सावरकर कि 1857 से लेके 1947 तक जो आपकी बुक आई, अब क्या उसको 1947 से आज तक के बारे में कुछ लिखने का आप सोच रहे हैं, ताकि उसको नई पीढ़ी को उसके लिए आकर्षित किया जा सके? बिल्कुल लिखे जाने की आवश्यकता है कि 1857 से 1947 तक किस उद्देश्य को लेकर के पहुँचे थे जी, और 1947 के बाद नहीं पहुँचे हैं तो उसकी दिशा क्या हो, क्यों नहीं पहुँचे, ये सबको मालूम है कि उसको जैसे होता है ना कि किसी चैम्बर का हम ढक्कन उठाए तो बदबू के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इनकी चर्चा करने की जगह कैसे इस दिशा में पहुँचा जा सकता है जी, इसके ऊपर तो लिखे जाने की बहुत आवश्यकता है। कभी समय मिलेगा तो देखेंगे उसके ऊपर। नहीं, हम लोग बहुत उसकी बेताबी से उसका इंतज़ार करेंगे। अब इच्छा तो बहुत रहती है, लेकिन साथ में संगठन का भी काम है, तो उसका प्रवास, लोगों से मिलना, उनके पत्रोत्तर है, इसमें समय बहुत चला जाता है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से लिखना तो बहुत कम संभव हो पाता है। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा जी, कि जैसे कि हमको मालूम है कि खंडो बलाल के आपने नाटक में एक स्पेसिफिक रोल को जीवांत किया था, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं प्लीज। जिस समय खंडोबलाल नाटक मैंने किया था, उस समय तो मैं बहुत छोटा था जी, तो ऐसा कह सकते हैं हम आज की भाषा में कि वो कहीं तो भी मेमोरी में पड़ा हुआ था जी, उसका बहुत वो नहीं था जी। लेकिन अभी जब सारी स्थिति देखी जी, भ्रष्टाचार की, इन सब की बात आती है, तो विचार किया कि आज जो भ्रष्टाचार और देश के विरोध में काम करने वाले लोग हैं, इनमें छोटे बिना पढ़े लिखे ऐसे लोग लगभग नहीं हैं। बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, जिनको बहुत पैसा है, बहुत बड़ी तनख्वाह मिल रही है, खूब पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग ज़्यादा भ्रष्टाचार में और राष्ट्रद्रोह में लिप्त हैं। एक कोई डिप्टी सेक्रेटरी IAS है जो पाकिस्तान में थी, उसका भी सारा आया था, कोई लेफ्टिनेंट जनरल का भी आया था। तो उसका, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एक कारण तो ये है कि जीवन में आदर्श होना चाहिए जी, वो आदर्श आज नहीं रखे जा रहे हैं, शिक्षा के कारण भी है और समाज में दिखाई भी नहीं देते हैं।
और जब तक व्यक्ति के सामने आदर्श नहीं होगा तो कैसे बनना, ये प्रश्न ही उसके मन में नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ एक तो देवी देवताओं के रूप में आदर्श था, वो अपनी इच्छा से आदमी चुनता था, फिर महापुरुषों के रूप में आदर्श रहता था, फिर समाज में या देश में कोई आदर्श सामने रहता था, ये सारी की सारे लिंक खत्म हो गई हैं। तो आज की तारीख में ऐसा कौन सा आदर्श हो सकता है, इसका जब मैं विचार करने लगा तो वो मेमोरी में से निकला। अरे वाह, कि खंडोबर लाल एक ऐसा आदर्श है कि वैसे वो सामान्य व्यक्ति था बिल्कुल। दो बार उसकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, उसके अपने लड़के को भी उसको बलिदान देना पड़ा, उसके बाबा को सुल्तान ने बोरी में बांध के समुद्र में फेंक दिया था, वो सारी उसमें लिखा है, पढ़ा है जी मैंने। तो इतना सारा कष्ट भुगत करके भी अगर उसने राष्ट्रभक्ति देशभक्ति अपने जीवित रखी, ऐसा आदर्श सामने आएगा तो अंदर से प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त अंदर से तो होता ही है, तो उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा, इसलिए ये लिखा मैंने। अभी इस पे याद ही आई कि खंडोबर लाल जी का तो एक चरित्र था, अब हमको ये भी बताएं कि माता पिताजी या परिवार के एक सभी लोगों का क्या रोल रहा आपको इस पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। ये प्रश्न तो आपका बहुत ही अच्छा है एकदम। मैं जो बाहर दिखाई देता हूँ ये पिताजी के कारण हूँ, क्या बात है, और जो मैं अंदर हूँ वो माता जी के। अरे वाह, बहुत ही अच्छा आपने बताया जी। पिताजी हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर थे जी, लेकिन आज तो एक्साइज ऑफिस के बाहर चाय वाला बैठता होगा वो भी करोड़पति निकलेगा जी, चपरासी भी निकलेगा जी, लेकिन एक्साइज में इंस्पेक्टर जैसी बड़ी पोस्ट होने के बाद भी हम चारों भाइयों ने ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई पूरी की है। अच्छा, समय की पाबंदी का उनका इतना वो था कि लोग घड़ी उनसे मिला सकते थे। अच्छा, कि अगर नहीं आए 9 बजे का था तो मतलब अभी 9 ही बजे होंगे, तुम्हारी घड़ी गलत होगी, जो अभी अपनी चर्चा चल रही है ये उनका था। उनकी प्रामाणिकता का अगर एक नमूना देना चाहूँ मैं तो, एक दिन वो किसी अपने मित्र के साथ घूमने गए थे, मैं मुख्य मार्केट जाते थे, हनुमान जी के दर्शन करके लौटते थे, तो एक बूढ़ी माता जी मिली, वो पैसे बच्चे के लिए दवाई वाई के लिए उसको चाहिए थे, तो चार आने, उस समय चार आने चलते थे, तो उन्होंने उसको दे दिया, लेकिन जेब में नहीं थे तो उन्होंने मित्र से लिया और तो उसको चार आने दे दिया। घर आने के बाद पहला काम उन्होंने किया कि चार आने उठाए, जूते पहन के मित्र के यहाँ गए, उसको चार आने दिए, तब तो घर में आके उन्होंने अपने कपड़े उतारे, कि उधार लेना नहीं और लिया तो रखना नहीं एक मिनट के लिए भी। तो ऐसे जीवन के वो के आदर्श थे, अपने कारण किसी को कोई कष्ट होना नहीं, कोई मांग करना नहीं अपने लिए। तो माता जी के बारे में, माता जी का ये था कि माता जी आध्यात्मिक उनका वो था जी, पढ़ी लिखी नहीं थी, हस्ताक्षर भर कर सकती थी, लेकिन उनकी धार्मिक ग्रंथों में उसमें बहुत रुचि थी। तो रोज रात को सारा काम निपट गया 9-1 बजे के बाद, कि मेरे को भी अपनी पढ़ाई निपटा के तैयार रहना पड़ता था, रात को उनको घंटा डेढ़ घंटा धार्मिक ग्रंथ पढ़ के सुनाने पड़ते थे मेरे को। अच्छा, तो मेरे को याद भी नहीं है मैंने कौन कौन से ग्रंथ पढ़ के सुना है, योग वाशिष्ठ है, वाशिष्ठ रामायण है, गुरु गीता है, अष्टावक्र गीता, ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें मैंने उनको पढ़ के सुनाई। तो पढ़ने की रुचि बन गई उसके कारण, क्योंकि कुछ ना कुछ 8वीं 10वीं में पढ़ने के बाद भी मेरे को समझ में तो आ ही जाता था। तो ऐसे जब तक वो रही तो ये क्रम बना रहा कि रात को रोज पढ़ा, मैं किसी भी क्लास में हूँ, पढ़ाई हो परीक्षा, उनको सुनाना ही था, वो उनका नियम था। तो उसके कारण आध्यात्मिकता, जीवन में किस प्रकार से कुछ विशिष्ट काम करना चाहिए और अध्ययन की रुचि, ये उनके कारण आई। अगर उनकी पूरी पर्सनैलिटी को हम आज के आयाम में कहें कि आप उनकी पूरी पर्सनैलिटी से आज की जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे वो बताएं प्लीज़। दोनों ठीक वैसे ही थे जैसे वो एक सुभाषित है ना हमारे,
कि कमल पत्र में भाव असहा, कि कमल का पत्ता जैसे पानी में रहता है संसार में रहकर के वो लिप्त नहीं होता लेकिन रहता है, वैसे ही वो थे। और उन्होंने हम लोगों को भी यही दिया संदेश। चार भाई और एक बहन, हम पांच थे लेकिन पूरे जीवन में उन्होंने एक भी लड़के को एक चाटा भी नहीं लगाया कभी। दोनों ने? दोनों। अच्छा, माताजी ने मेरे को तो लगाई होगी दसों, क्योंकि थोड़ा जिद्दी वगैरह था इसलिए, लेकिन मार जिस कारण लगाई जाती है वो कोई नहीं हुआ। पिताजी ने तो बिल्कुल नहीं छुआ किसी को भी। अच्छा, लेकिन उनके सम्मान हम लोगों को इतना था उनके प्रति कि जब वो घुसते थे घर में तो रेडियो बंद कर देते थे हम लोग। वो कमरे में आते थे तो कभी बैठे नहीं हम लोग, खड़े कभी उनके सामने बैठे नहीं हैं। कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। पैसा भी, वो तनख्वाह आती थी तो कभी अलमारी में नहीं रखे। एक आले में हनुमान जी की उनकी प्रतिमा थी, उसके नीचे पटे पे पैसे, तनख्वाह वहीं रखी देती थी उनकी। और हम कोई भी मांगते थे तो वो अपने हाथ से नहीं देते थे, वहाँ से ले लो। क्या बात है। तो उन्होंने इस प्रकार का आदर्श उपस्थित किया, कहा कुछ नहीं कि ना। और हम चारों भाई आज एकदम लगभग उसी प्रकार के संस्कार आए, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो अपना आचरण ठीक रहे। यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि आज हम एक बिल्कुल यंग लड़कों को या लड़कियों को कहते हैं कि आप ऐसा आचरण करें। अब हिंदुस्तान आपको मालूम ही है कि यंगेस्ट दुनिया का देश है। अब 30-35-40 साल के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता बने हैं, हम बच्चों को कहने के बजाय उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दें, उनको कैसे सिखाएं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ज़्यादा समझदार हैं। ये तो एक समाजशास्त्रीय शोध का विषय है जी, कि इसमें अब कैसे किया जाए, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो गया है इस बीच में जी। और मनुष्य तैयार करने की जो भारतीय इसमें हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई थी, पांच संस्थाएं बनी थी उसके लिए जी। एक परिवार, दूसरा समाज, तीसरा विद्यालय, चौथा मंदिर और पांचवा पंचायत। ये मिला के मनुष्य के आचरण को और जीवन को नियंत्रित करते थे जी। इनमें से पांचों संस्थाएं आज नष्ट भ्रष्ट, एक भी संस्कार देने की स्थिति में नहीं है। पंचायत तो गांव में थोड़ी बहुत बची और वो कैसे निर्णय लेती है, हरियाणा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। परिवार भी नए सेटअप में टूट से गए, सब लोग रहने के लिए तो संस्कार की व्यवस्था वहाँ पे भी खत्म हुई है। मंदिर संस्कार देने का काम नहीं कर रहे हैं, वो तो कमाने का, कब्जे का, अतिक्रमण का, वो सब मतलब कुल मिलाकर का उद्देश्य उनका बदल गया है। विद्यालयों में हमने सारा परिवर्तन कर लिया है जी। संस्कार देना और जीवन से मुक्त होना, ये उसका ध्येय की जगह हमने उसको व्यावसायिक शिक्षा ही कह दिया है जी। और अब शिक्षा भी व्यवसाय दोनों हो गया है जी। शिक्षा व्यावसायिक है जी। और शिक्षा व्यवसाय हो गई है। बिल्कुल सही है। उसी पहले लोग हमारे बच्चे पढ़े स्कूल को उसके लिए विद्यालय खोलते थे, आज पैसा कमाने के लिए विद्यालय खोले जा रहे हैं। तो इस सब के कारण जो नया सेटअप है आज सामाजिक स्थिति है, उसके लिए नई व्यवस्थाएं हमें खड़ी करनी पड़ेंगी। कोई एक सूत्री या किसी कहने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे उस समय समाज के लिए ये संस्थाएं खड़ी की थी, ऐसे हमें नए इसके अनुरूप संस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी। एक कोइंसिडेंसी है कि राष्ट्रपति महोदय ने जैसे आपको विवेकानंद साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया, विवेकानंद जी कि भी एक आज के समय में धीरे धीरे पकड़ आती जा रही है, तो विवेकानंद जी के चरित्र को सामने रखते हुए हम कैसे इस भारत को एक महानता की तरफ ले जा सकते हैं, इसके बारे में आप बताएं जरा। अगर विवेकानंद जी के जीवन का अगर हम सारभूत चाहें जी, तो दो शब्दों में किया जा सकता, उन्होंने स्वयं ने भी कहा जी कि उन्होंने मैंने देश को आत्माभिव्यक्ति और आत्म प्रत्यय देने का काम किया है जी। और इन दोनों के बिना कुछ हो भी नहीं सकता है। कि पहले तो ये जानना कि हम कौन हैं, आत्म प्रत्यय जी।
और फिर जो हम हैं वो हम कैसे प्रकट हों, और उन्होंने पूरा काम इसी के लिए किया सारा। तो हम क्या हैं, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि हिंदू हैं, अध्यात्म हमारा वो है। और फिर उन्होंने कहा कि केवल इतने से काम नहीं चलता, और इसलिए रामकृष्ण आश्रम का मिशन का लोगो ही उन्होंने दिया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, कि आत्मा के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए। तो रामकृष्ण मिशन में उन्होंने ये भी रखा है और सेवा कार्य भी रखे हैं उन्होंने। तो आत्म प्रत्यय और आत्माभिव्यक्ति, ये दोनों हमको समाज को आज देनी पड़ेगी, हम भूल गए हैं, उसको जागृत करना पड़ेगा। आज हम लोगों ने साहित्य को धर्म में भी बांट लिया है, उसको एक जो हम मान के चल रहे हैं कि जो भारत खंड में जो भी रह रहा है वो एक परिवार का सदस्य है, वो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उन सब लोगों को एक साहित्य से, एक सूत्र से बांधने के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? जी, जो आपका प्रश्न है वही इसका उत्तर है कि साहित्य को हमने धड़ों में बांट लिया है। साहित्य केवल साहित्य होता है जी, व्यक्ति जो है, मतलब साहित्यकार जो है, वो किसी विचार का हो सकता है, किसी पक्ष का, दल का हो सकता है, लेकिन उसके द्वारा रचित साहित्य में वो चीजें अभिव्यक्त नहीं होनी चाहिए। साहित्य साहित्य रहेगा। पर अभी हम ये देख रहे हैं ना जी कि जो नया, सही कह रहा ना जी, तो जो साहित्य के प्रति अरुचि है उसका एक बड़ा कारण वो भी है जी, कि मैं साहित्य नहीं दे रहा हूं, मैं किसी बात को साहित्य में जबरदस्ती डाल रहा हूं। अब जैसे कहा जाता है कि आजकल लोगों को गुटखा खाने की आदत हो गई है, तो उसमें कुछ कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिली है जिसके कारण वो उसके आदि हो गए, आदत डल गई है उनको। तो केवल गुटखे में पान मसाला वो नहीं खिला रहे हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने और एक इंजेक्ट किया हुआ है। तो ऐसे ही वो साहित्य नहीं लिख रहे हैं, वो साहित्य के द्वारा उस विचारधारा को थोप रहे हैं। तो जब आप विचार को देंगे तो फिर वो साहित्य नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हम इसका जो सारा का सारा जो ब्लेम है वो साहित्यकार पे जाएगा कि जिसने उसको बांटा है उसको? निश्चित निश्चित जाएगा। साहित्यकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, लेकिन वो राजनीतिक दल या विचारों के प्रति नहीं होनी चाहिए। उसकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, और जीवन के जो शाश्वत मूल्य हैं, सेवा, त्याग, प्रेम, समर्पण, आत्मविश्वास, विश्वास, अगर ये चीज़ें जीवन में नहीं रहेंगी तो नहीं चलेगा। तो इनके प्रति तो वो समर्पित रहे। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं एक मुश्किल प्रश्न पूछना चाहूँगा जो किसी भी साहित्यकार के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा करता है। हर एक प्रश्न मुश्किल होता है अगर उसका उत्तर ठीक नहीं दिया जाए तो। नहीं, वो ये है कि आपकी सारी कृतियाँ जनमानस ने बहुत खुले हाथों से उसको एक्सेप्ट किया और पसंद किया है जी। अब हर आदमी की अपनी अपनी उसकी एक पसंद होती है। जैसे मुझे वीर सावरकर की ये जो आपकी रचना थी वो बहुत पसंद आई। अगर आपको चूज़ करने को कहा जाए तो आप अपनी कृतियों में से सबसे बेहतरीन किसको मानेंगे? माँ को तो सारे ही बच्चे प्यारे होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि प्रश्न पूछ रहा है जी, लेकिन फिर भी जी, जो सबसे कमजोर बच्चा होता है वो सबसे अच्छा लगता है जी। ये तो पर आप पर कोई बच्चा कमजोर नहीं है, सारे के सारे आपके बच्चे बहुत मजबूत हैं जी। एक ज्योति जलाने जी प्राण की किताब है जी, देश के विभाजन के समय जी, पाकिस्तान बन गया था तो वहाँ से कैसे लोगों को निकाल करके लाए हैं जी, कैसे उनकी व्यवस्था यहाँ आने के बाद भी की, कितना संघर्ष वहाँ किया, उसके लिए 7,000 लोगों के हम लोगों ने इंटरव्यू लिए थे। 7,000? अच्छा। तो जो उस आज का जो पाकिस्तान है वहाँ वो रहा करते थे जी, और विभाजन होने के कारण उनको हिंदुस्तान आना पड़ा, और फिर कोई कहीं रहा। तो उनसे पूछ करके हमने हर गांव की क्या हुआ था उसका आंखों देखा हाल लिया, उसको लिपिबद्ध किया है। तो उसमें एक तो मेहनत बहुत हुई जी, फिर इस चीज के ऊपर अभी तक कोई लिखित वो नहीं है, दूसरे ही पक्ष से आया है सारा।
तो इन सब के कारण मेरे को वो सर्वाधिक प्रामाणिक होने के कारण अच्छा लगता है। लोगों को खंडोबर लाल सबसे अच्छा लगा है। मैं भी उनमें से एक हूँ। और एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि आपने एक साहित्यकार के रूप में इस जीवन को पूरा जीवांत किया है, पूरा जिए हैं आप। अगर भगवान की दया से दोबारा से आपको एक नया जीवन शुरू करने का अवसर प्रदान करें प्रभु आपको, तो किस उसमें जाना चाहेंगे? क्या दोबारा से साहित्यकार या कुछ और? अंग्रेजी की एक कहावत है जी, मैन सपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। सही है, मैं इसके ठीक उल्टा मानता हूँ जी। अच्छा। हाँ जी, कि भगवान ने तय किया हुआ है, मनुष्य ही वैसा करता नहीं है। अच्छा। तो एक जैसे मोबाइल में या किसी भी सॉफ्टवेयर में चिप लगी आती है ना, उसमें सारा प्रोग्राम फीड है जी, कि वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या होगा, सब कुछ उसमें रहता है। उसको समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। अगर हम उसका इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करें तो उसकी गलती नहीं है। अब अपन कोई बड़ा मोबाइल अच्छा ले लेते हैं, केवल फ़ोन करने का, SMS करने का काम देते हैं, बाकी सारे उसके वैसे ही पड़े रहते हैं, तो उसमें उसकी फ़ोन कंपनी की गलती थोड़ी, अपनी गलती है। ऐसे ही भगवान ने इस धरती के ऊपर हर एक को कोई एक निश्चित काम करने के लिए भेजा हुआ होता, भेजता है। अगर उसके जीवन में वो पूरा नहीं हो पाता है तो सपोर्टिंग में फिर दूसरा उसके पीछे भेजता है। हमारी पुरनजन्म की प्रति वही कहते हैं कि पहले वाल्मीकि आए, उन्होंने उस समय के हिसाब से राम कथा लिखी, फिर समय बदल गया तो तुलसीदास आए, फिर उन्होंने उसको लिखी, फिर हर एक भाषा में जरूरत हुई तो उस भाषा के कवि आए, आज की तारीख में नरेंद्र कोहली ने उस राम कथा को फिर नए रूप में लिया। काम एक ही चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाता है। विवेकानंद का जो काम आधा था उसके लिए स्वामी रामतीर्थ आगे करने आए। ऐसे हर एक महापुरुष का पूर्व जन्म का और अकाम मिल जाता है सारा, तो वो भेजता है करने के लिए। उसके इसमें हम बाधा न डालें और उसके अनुसार करें, अपने इच्छा से कुछ नहीं होता। तो अपन तो उसके लिए है कि जो तेरी मर्जी हो सो करा ले। क्या आप 32 साल की एकदम युवावस्था में सब कुछ त्याग के संघ के साथ जुड़े, उस समय के संघ की जो एक उस समय की एक लोगों पे एक्सेप्टेबिलिटी थी और आज की एक्सेप्टेबिलिटी में आप क्या फर्क देखते हैं जी? संघ एक मनुष्य का संगठन है, सामाजिक संगठन जी। तो जैसे फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री में स्केल्स होती है कि स्केल फिक्स है, वो बदलती नहीं है, ऐसे मनुष्य के और सामाजिक संगठनों के साथ स्केल का नहीं रहता है जी। इसमें स्केल भी बदलती जाती है और बदलनी चाहिए जी। ये कई प्रकार के चेंजेस आते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, तो इन सब को मनुष्य को स्वीकार करना पड़ता है, उनसे बच नहीं सकता वो। अब इसके कारण और बाकी जो परिवर्तन आए, नए विचार आए, सोच के कारण सारा परिवर्तन होता है, उसके साथ हमको उस स्केल को भी बदलते रहना चाहिए। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम गलती पर हैं, और इसलिए उन स्केलों को आज नहीं लेना चाहिए, आज की तारीख में आज के जो है उसको। नहीं, आपने शुरुआत एक कार्यकर्ता के रूप में उसमें की और आज प्रभु कृपा से आप उसके चरम पे हैं, तो आपने जो सफर एक कार्यकर्ता से शीर्ष तक का किया, उसमें क्या आपने कुछ जो चीज़ चाहे कि जब मैं शीर्ष पे पहुंचूंगा मैं उसमें ये चेंजेस करूंगा, वो उसमें हम कितने सफल रहे या उसको हमने कैसे उसको आगे लेके गए? ये प्रयास तो रहता है, लेकिन इसमें सर्वस्वी अपने हाथ में कुछ नहीं होता जी। कुछ जिन कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके करना है उनकी इच्छा शक्ति भी इसमें बहुत बड़ा भाग रहता है, कुछ परिस्थितियों के ऊपर भी रहता है, कुछ बाकी शक्तियां जो विपरीत काम कर रही होती है उनके ऊपर निर्भर करता है। इन सबको मिलाकर टोटल रिजल्ट आता है, इसलिए अपन जो चाहते थे वो सब हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं पाता, किसी के भी जीवन में नहीं हो पाता, इसलिए अपने जीवन में आने का तो प्रश्न ही नहीं है। अपन अपने इसमें प्रामाणिक रहे हैं कि नहीं, इतना ही हम केवल सोच सकते हैं कि हमने अपने इसमें तो कोई कमी नहीं की, और उस दृष्टि से तो मैं 100%
संतुष्ट। ये तो आपके सारे कार्यकर्ता ही मानते हैं कि काका जी के साथ कभी उन्होंने ये फीलिंग ही नहीं दी कि वो एक कार्यकर्ता में और एक शीर्ष पदाधिकारी में कोई अंतर नजर आए उनको। अच्छा, एक आखिरी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इस आपकी जो साहित्य की रुचियाँ हम जान गए हैं, अभिनय भी आपने किया, इसके अलावा आपका और क्या रुचि है जो आपको सबसे प्रिय है? वैसे तो मैं क्रिकेट भी खेला हूँ बचपन। अच्छा? बचपन में हॉकी भी खेला हूँ, कबड्डी खेला हूँ। अरे वाह, कबड्डी के शौक के कारण ही संघ की शाखा गया था। अच्छा, लाठी वाठी भी खूब चलाई है, सिखाया है, जूडो कराटे भी आता था, सिखाने का काम किया है। अच्छा, फिर कुछ समय नौकरी भी की, 1.5 साल हिमालय में भी रह के आया। अच्छा, वो भी? अरे वाह, इसलिए जीवन के जिसको हम फेज कहते हैं वो तो बहुत रहे हैं। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ वो मेरे को खुद को समझ में नहीं आता। एक प्रकार से कह सकता हूँ मैं तो आनंद जिसमें मिलता है वो करता चला जाता हूँ। तो एक तरह से ये बात भी कही जा सकती है कि खेलों ने या खेलों के शौक ने श्रीधर जैसी एक पर्सनैलिटी हमको दी है। कुछ ना कुछ श्रेय खेलों में भी जा सकते हैं, जैसे आपने कहा कि उसकी वजह से आप संघ से जुड़े या शाखा से जुड़े। तो खेल भी आ गया जो हमारी आज के युवा, खेल है, आध्यात्म है, ये दोनों के कारण। संघ में सब कुछ वो था जो घर के संस्कार थे जी। शाखा में जाकर मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं कोई नई चीज सीख रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल घर का माहौल लगा। 90% हमको घर में पहले सिखा दिया गया था सब कुछ जी। सूर्य नमस्कार ये व्यायाम है, ये मेरे को शाखा में जाके मालूम पड़ा। अच्छा, पहले से आप इसको कर रहे हैं? हमारे घर में सवेरे उठ के नहाना, नहाने के बाद भगवान के सामने आपके यहाँ ये चौकी ऐसे पटे रखे देते थे जी, और उस पर 12 सूर्य नमस्कार से मंत्र लगाना, फिर आटे और गुड़ का एक लड्डू बना उसके नीचे रखा रहता था कटोरी में जी। वो प्रसाद कर वो एक खाते थे। तो हम नाश्ता कर रहे हैं हमें नहीं मालूम था, हम व्यायाम कर रहे हैं हमें नहीं मालूम था, हम पूजा कर रहे हैं इतना मालूम था। क्या बात, शाखा गए तो मालूम पड़ा कि ये पूजा नहीं है, ये तो व्यायाम है। तो अब इतिहास सारा घर में मालूम था जी। तो अब आखिर में आप अपने इतने लंबे जो सामाजिक समय आपने दिया, आप एक नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस उस मैं उस पर ख़त्म करना चाहूँगा, एक संदेश जो भी आप देना चाहें। हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये दो प्रश्न अपने से वो पूछता रहे जी। जो मेरे को सबसे कमी दिखाई देती है आज, बस इन्हीं दो चीज़ों की कमी दिखाई देती है, उसको कुछ नहीं पता है कि वो क्या क्यों कर रहा है। तो हमको यही प्रश्न जानने हैं। ये दो प्रश्न अगर वो अपने से पूछने लगेगा ना तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी मेरे को लगता है। तो काका जी, आपने इतना हमको समय दिया और उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और मैं ये भी चाहूँगा कि हम आपसे दोबारा फिर समय लें और जो कुछ प्रश्न हमारे दोस्तों आप जानना चाहेंगे उनको साथ दोबारा हम काका जी के से इजाज़त लेके उनसे आपकी तरफ दोबारा से काका जी के चरणों में रखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।